दोस्तों, हम लोग अभी अमरनाथ जी के ट्रैक पर हैं और मैं उत्तराखंड की बेटी शीला यहाँ से सभी लोगों को बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। और मैं अपने साथ अपना कुमाऊँ का ये दुपट्टा लेकर आई हूँ और मैं इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दुपट्टा हमारे वहाँ महिलाएं पहनती हैं और ये दुपट्टा सुख का सौभाग्य का एक चिन्ह है, प्रतीक है। मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं के साथ ये दुपट्टे के द्वारा खुशी और सम्मान बना रहे। हेलो, मुझे नहीं, पीछे देखो, पीछे इतने सुंदर नज़ारे हैं, क्या सुंदर झरना है, ग्लेशियर हैं और यहाँ बहुत ही सारे घोड़े हैं। लोग घोड़ों को बहुत परेशान कर रहे हैं और लेकिन वो ऊपर देखिए महादेव जी बैठे हैं, बाबा बर्फानी बैठे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी यहीं से हाथ जोड़ दो और बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। हर जगह पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल भगवान का धाम, यहीं परी भगवान का धाम है। तो जब मैं आई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को उस सुख का अनुभव कराऊं जो मैं यहाँ पर खुद ले रही हूँ। मेरे सभी अपनों को ये भगवान का प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिले और सब लोग हमेशा यहाँ आए। मैं चाहती हूँ कि सबको एक एक बार मौका मिले यहाँ आने का। शंभु बाबा मेरी भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। आज की जय हो, बम बम बोले जय हो। हेलो दोस्तों, मुझे मत देखो, उधर देखो, देखो कितनी सुंदर बर्फ है। लेकिन केदारनाथ में और अमरनाथ में एक अंतर है। केदारनाथ में मिलता है नींबू पानी और यहाँ नींबू पानी नहीं मिलता है। लेकिन ये बर्फानी बाबा हैं और ये यहाँ खूब बर्फ के गोले खिला रहे हैं। तो इसी बात पर बोलो जय बर्फानी बाबा, बर्फ बर्फ खाते रहो, बर्फ का गोला खाते रहो, बर्फ में चलते रहो और मजे करते रहो। हर हर महादेव। मेरे सभी अपनों को मेरा प्यार और प्रणाम, बाबा का ढेर सारा आशीर्वाद। अभी हम लोग पैदल ट्रक पे हैं, बहुत ही आध्यात्मिक टूर है और सुंदर सुंदर नज़ारे हैं और भगवान की कृपा से नंगे पांव चल रही हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोग की प्रेरणा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सूर्यदेव जी की खूब कृपा है और चलने में बहुत मजे आ रहे हैं। थोड़ा सा हाइट है लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जय भोले की, हर महादेव। उधर देखो, देखो कितनी सुंदर बरसाती हो। देखो बाबा जी के यहाँ से गुफा के फर्स्ट दर्शन हुए हैं। आप लोग यहीं से गुफा को देख सकते हो और अभी मैं नजदीक जाके फोटो लूंगी। लेकिन फिलहाल ये पहला दर्शन है तो मैंने कहा बाबा जी को दूर से प्रणाम करते हैं और आप सबकी तरफ से मैं बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। और जल्दी मैं बाबा जी के पास पहुँचती हूँ, वहाँ से आपसे बात करती हूँ। नमस्कार, जय बर्फानी बाबा। मैं आपको एक बहुत ही सेंसिटिव और छुपी हुई बात बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक और पहले सपने से लेके सपना पूरा होने तक का जो सारा सफर है वो हमारा आर्मी के लोगों के द्वारा पूरा किया जाता है। मैं अपने देश के इन वीर जवानों को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ क्योंकि जम्मू से लेके बाबा जी के दर्शन तक एक बच्चे की तरह हमको ले जाते हैं और वापस लेके आते हैं। हर प्रकार के, चाहे वो प्राकृतिक डिजास्टर हो या वो आतंकवादी घटनाएं हो, उनसे हमें बचा के पूरी यात्रा करवाते हैं। और इसके लिए मैं इन सभी लोगों, सारे यात्रियों की तरफ से प्रणाम करना चाहती हूँ, थैंक यू कहना चाहती हूँ। और बाबा बर्फानी से कहती हूँ कि सबसे पहले आप इनको सुरक्षित रखना, इनके घर वालों को सुरक्षित रखना, ताकि हम हर साल इनके आशीर्वाद से, इनके ही वजह से इस यात्रा को पूरी कर सकें। और जय भारत महान, जय मेरे वीर जवानों की।